नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे पहला कदम रखा, लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा कि चांद पर हम लोग जमीन भी खरीद सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आज का वीडियो आप अंत तक पूरा देखिए, जिसमें हम इसी का ही डीकोड करेंगे कि आखिर चांद पे जमीन कैसे खरीदी जा सकती है। यूं तो आपने हमेशा सुना होगा कि चांद पे कई लोगों ने अपना घरौंदा बना रखा है, लेकिन क्या आपको पता है चांद पे जमीन का क्या रेट है? अगर हम आपको चांद पे जमीन का रेट बता दें तो शायद आपको यकीन बना हो। बता दें कि चांद पे जमीन एक एकड़ का जो रेट है वो है 3000 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जमीन आखिर सस्ती क्यों है। चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अक्सर इस बात को सुनने को मिलता है कि फला आदमी ने चांद पे जमीन खरीदी है, कभी सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान का नाम या कभी सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद में जमीन खरीदी भी थी। वहीं बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान को उनके एक फैन ने चांद पे जमीन तोहफे पे दे दी थी। तो आखिर ये चांद पे जमीन कैसे खरीदी जा सकती है? रिपोर्ट के मुताबिक लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनार लैंड्स रजिस्ट्री ऐसी कंपनी है जो चांद पे जमीन बेचने का दावा करती है। इन कंपनियों के द्वारा 2002 में ही हैदराबाद के राजीव बांगड़ी और 2006 में बैंगलोर के ललित मेहता ने भी चांद पे प्लॉट खरीदा। इन लोगों का मानना है कि चांद पे आज नहीं तो कल जीवन तो बस रही है। सुशांत ने चांद पे जमीन इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री से खरीदी थी। उनकी यह जमीन चांद के सी ऑफ मार्स कोई में है। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल अभी तक सब्सक्राइब या फॉलो करना नहीं शुरू किया है तो ज़रूर से फॉलो करना शुरू कर दीजिए, जहाँ पे इस तरह की कुछ जानकारी हम पहले भी दे रहते हैं। और अगर इंस्टाग्राम पे हमने फॉलो करना नहीं शुरू किया, ज़रूर से फॉलो करना शुरू कर दीजिए, जहाँ पे आप हमसे पर्सनली चैट भी कर सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं इसके अंतर्गत कुछ और जानकारी। लूनर रजिस्ट्री डॉट कॉम के अनुसार चांद पर एक एकड़ जमीन की कीमत 37,150 अमरीकी डॉलर है, यानी कि तकरीबन 31 लाख के आसपास। कम कीमत होने के कारण लोग भावनाओं में बहकर रजिस्ट्री कराने के बाद में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। जब जमीन की कीमत तय है तो सवाल यह उठता है कि आखिर चांद का मालिक कौन है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह या फिर चांद पर किसी भी एक देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है। चांद पर बेशक किसी भी देश का झंडा लगा हो, लेकिन चांद का मालिक कोई भी नहीं है। इस बारे में इंटरनेशनल संगठनों का मानना है कि चांद की जमीन पर कानूनी तौर पर किसी का मालिकाना हक नहीं माना जा सकता, क्योंकि पृथ्वी से बाहर की दुनिया पूरी मानव जाति की धरोहर है। इस पर किसी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी के मुताबिक स्पेस के किसी भी ग्रह या उसके उपग्रहों पर किसी भी एक देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है। भारत समेत 110 देशों ने इस पर साइन भी किया है। बिना किसी अधिकार के लिए कंपनी चांद पर जमीन की रजिस्ट्री करने का दावा करती है, या एक तरीके से गोरख धंधा ही है। इसलिए ऐसे गोरख धंधों के धोखे में आप बिल्कुल ना आए, और ये सब बिल्कुल से गलत है, और चांद पे कोई भी ज़मीन बेची और खरीदी नहीं जा सकती। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।